का फटकार है, आवाज नहीं दे रहा सुल्तान को। अड़ी कदी देख बाहर कौन है, तेरे मामे का पूछे तो खेलना में अंदर। सुल्तान है जी? हाँ सुल्तान मामू है, आप कौन? जी मैं शर्जील। वो मुझे उनसे बहुत जरूरी काम है। खान को समझाएं कि वो मेरे और सस्सी के रिश्ते पर इतराज ना करे, भला उसको क्या तकलीफ है? वो खाम खा दूसरों को परेशान करना चाहता है, वो ऐसा क्यों करता है? देख शजील बहू, मेरी क्या मजाल के मैं खान सिंह को समझा सकूं? खान सिंह तो बादशाह बंदे हैं, उनका मिजाज तो ई रोहे की रेत की तरह है, जो कभी तप जाता है और कभी ठंडा हो जाता है, किसी की समझ में नहीं आता। कंदील, ये तुम्हारी कोई रिश्तेदार है? बड़े जी है मेरी। अपने क्या करूं, कैसे समझाऊं?
अब ये गांव छोड़ना मेरे लिए बहुत मुश्किल हो गया। चाचा मुझे नाराज है, मेरे पुत्र शाकिर की खातिर अपने गले च शादी का फंदा डाला, तेरे भरा ने इस वेड़े की खातिर, पर असा दोहां की सोच ते रिश्ते जो फासला है ना, उसको खत्म करना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल है, राजू दा शाकिर दे नाल अगर यही रवैया रहा ना, तो मैं घर छोड़कर चली वे सकती। हाँ ना अम्मा, तू फिक्र ना कर, चाचे को मैं खुद मना लूंगा। शाकिर ते मैं इन वेड़े को बात करने की पूरी कोशिश करेंगे। इस वेड़े की खुशियां तो साजू अपने साथ लेके आए पैसा। भरजाई सच्ची गाल तो ये है कि तेरे दिल और दिमाग में आज भी साजू लाला जिंदा है।
जब तक उसे नहीं मारेगी राजू बिरा को किस तरह शोहर कबूल करेगी। तू बीवी ले राजू बिरा की, घर को तू बसाना है। राजू बिरा के दिल से सस्सी को तूने निकालना है प्यार से। कंदील जी मामू, तू शर्जील को कब से जानती है? क्या सालों पे तेरा उधर नाम? वो मामू ये हमारे लाहौर वाले घर के पड़ोसी थे। हर मुश्किल वक्त में इन्होंने हमारी बड़ी मदद की। खाला सुबैदा मुल्तान में मुझे इन्हीं के घर सिलाई कढ़ाई के लिए लेकर गई थी। मामू जब मैंने वहां शर्जील की तस्वीर देखी तो मैं बहुत खुश हुई, लेकिन जब मुझे पता चला कि शर्जील की शादी उसकी फैमिली में हो रही है तो इतना दुख हुआ कि मैं मुल्तान छोड़कर आपके पास आ गई। मामू मैंने बड़ी कोशिश की शर्जील को भुलाने की, लेकिन भुला ना सकी। अब किस्मत ने मिलाया भी है तो किस मोड़ पर। शर्जील से बहुत प्यार करती जी। पहले तो शायद मैं खान सिंह से बात करता, उन्हें समझाता। पर हूं नहीं, देखो तेरा प्यार जरूर मिलेगा। सुखरा बहन, मेरा तुझसे वादा है तेरी धी को खुशियां जरूर दूंगा, जरूर खुशियां दूंगा।
एक की में थी सकता है सुल्तान, मेरे रास्ते की दीवार मेरे सामने खड़ी हो और मैं उसको कुछ ना कहूं। तू आपन उसको मरता ना छोड़ा, मैं खुद जाऊंगा खुदा बख्श के पास सस्सी का रिश्ता मांगने। मैं नहीं चाहता कि कल का छोरा मेरे सामने खड़ा हो और दुनिया तमाशा देखे। ना खान सही ना, ये काम बापू मुझ पर छोड़ दे, मैं कराऊंगा तुम्हारा रिश्ता सस्सी के साथ और उस छोकरे को इन बस्ती से ही मैं निकालूंगा जी मक्खन से वाप। सही, इस वक्त उससे कुछ कहना कोई चंगी बात नहीं है। जब तुम्हारा रिश्ता सस्सी से हो जाएगा ना खान साहब, तो खुद ब खुद बस्ती से निकल जाएगा। खान साहब क्या जरूरत है उस छोटे बंदे को मुंह लगाने। मुझे यकीन था शर्जील के तुम जरूर आओगे। कंदील, मैं तुमसे अपने दिल की बात कहने आया हूं। सच शर्जील? अचानक कब से ये सब कुछ सुनने के लिए मेरे कान तरस रहे थे। बोलो शर्जील, कहो ना अपने दिल की बात। तुम्हारी मुलाकात और दोस्ती ने एहसास दिलाया कि चाहत भी इस दुनिया में कोई चीज है। जज्बे भी है, जो जिंदा हो जाए ना तो इंसान की जिंदगी आसान हो जाती है। तुम्हारी गुर्बत ने मुझे प्यार करना सिखाया, मुझे इस गांव की एक लड़की सस्सी से प्यार हो गया। वो बहुत प्यारी और मन भावनी है। तुम सुल्तान से कह के मेरी मदद कर सकती हो क्या? अच्छे गुजरे हुए लम्हों के बदले ऐसा मुमकिन नहीं हो सकता। इन्हीं लम्हों के सबके में तुम्हें तुम्हारा प्यार जरूर मिलेगा शर्जील, चाहे मेरे मामू को कुछ भी करना पड़े। ये तुमसे कंदील का वादा है।
वादा। कैसे बैठा है? ठीक से बैठ। मैं बहुत दिनों से देख रही हूं, तुम अपना ख्याल नहीं रखता पे आए, और मैं तेरा ख्याल रख सा। कुछ खाओगे नहीं तो भूख कैसे लगेगी? खाली पेट तो बंदा कौड़ा हो जाता है, न दिमाग ठीक न जबान का जायका। और मैं भी रोटी नहीं खा दी, मेरा दिल नहीं चाह रहा, तुम खा लो। रिजक सामने हो ना तो इनकार करना गुनाह है। हाँ, इसमें बेहतरी भी है और रब सुनने की खुशी भी। खाना क्यों छोड़ दूं और आप मुझे कहां ले जाना चाहते हैं? शरजील बहू तू घबरा ना, तुझे कुछ नहीं होता, तेरे यहां से जाना बहुत जरूरी है, क्योंकि अकबर खान सही तेरा वजूद इस गांव में बर्दाश्त नहीं कर सकते। हो सकता है कि उनका कोई बंदा तुझे नुकसान पहुंचा दे। मैं थाने में रिपोर्ट दर्ज करवा देता हूँ कि मुझे
अकबर खान से जान का खतरा है। सोना, रपट छपट दर्ज कराने से कुछ नहीं होता। तो अपना सम्मान उठा और मेरे नाल मेरे घर चल। अब तेरी हिफाजत करना मेरी जिम्मेदारी है। मगर वो सस्सी, भूल जा सस्सी को, बदनाम रहना सस्सी का। अब सस्सी सही अकबर खान सही है। अकबर खान ने तीसरी शादी का फैसला करके अच्छा नहीं किया। बेगम साहबा, मैं सही बता रही थी, खान साहब परी जी शादी की इजाजत खान साहब ही सलाह देंगे। हाँ, वो तो बीवी लगती है ना उनकी, और मैं कुछ नहीं लगती। कोई मशवरा, कोई फैसला करना हो, खान जादे के पास जाते हैं, और अगर खुशामद करनी हो तो उन्हें मैं नजर आती हूँ। हालांकि बेगम साहबा, जो लोग दूजी शादी करते हैं ना, उनकी ज्यादा दिल मोहब्बत छोटी बीवी से होती है। पर खान सही तो ये सब काला जादू का असर है। उस खान साथी ने एक जादू में जकड़ के रखा हुआ खान साहब को। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, मैं भी हर तरह के जादू को तोड़ करवा के रहूंगी। छोड़ूंगी नहीं उस खान साथी को। हजार लगे तो अकबर खान को, मैं खुद बात करूंगी उनसे। उन्हें तीसरी शादी की इजाजत मुझसे लेनी होगी, खान साथी से नहीं। एक गाल दसाऊं बेगम साहबा? कहो। खान साथी साहबा के पास एक दूजा तवीज आया है। तो सही बता रही थी, शर्फा ने लाख लेता है, किसी का मुंह बंद करने का तवीज है। खान साथी साहबा अक्सर उसे अपने दंदों तले दबा के रखती है। दंदों तले? दांतों तले। दांतों तले। अच्छा, मैं भी कहूँ, खान साथी जब भी सामने आती है मुझे गुस्सा क्यों नहीं आता? कोई बात नहीं, मैं भी देख लूंगी उसे। अरे खुदा बख्श, तू साड़ी कौम का वडेरा है, इन वास्ते सारे तेरी इज्जत करते हैं। खान सही भी तेरी इज्जत करते हैं। और सजावल तो पल्ला ही खान सही के नमक से है। चीता है उनका चीता। देख सुल्तान, जो भी गल करनी है ना, सीधी तरह कर, ये इधर उधर वल ना डाल। हाँ चाचा, खुदा बख्श, खान सही तेरी धी सस्सी से अपना रिश्ता करना चाहते। ओ सस्सी को अपनी हवेली की खान जाती बनाना चाहते हैं। तो बड़ी तुम्हारे लिए खुशकिस्मती और क्या होगी। क्यों सजावल, ना सुल्तान, पहले मैं कहूं सस्सी जी की मर्जी पूछ लेने दे, फिर हां ना करूंगा। इंदा मतलब है कि शर्जील बहू से जरा रिश्ता हुआ था वो सस्सी की मर्जी से दिया। सुल्तान, तो समझ कर कर। ये सिर्फ मैं नहीं आंक रहा, सारी बस्ती वाले आंक रहे हैं। तो बाबे ने कोई नवा काम तो नहीं किया? तूने नहीं अपनी बेट सोखला की शादी लहरों में की थी उसकी पसंद से? बस बस सजावल, गाल को यही खत्म कर दो। सुल्तान, खान सही से जाके आज के हमें थोड़ी मोहलत चाहिए।